देख रहा हूँ 3 इंची का है ये। ये 3 इंची का कटर है? 3 इंची का कटर है, 2 फुट मोटा है। अच्छा, इसमें आप 12 इंची 10 इंची का को हुआ वो भी मेरे पास मिल जाएगा। अच्छा, स्लोटिंग कटर का काम? स्लोटिंग, हाँ स्लोटिंग कटर। अच्छा, ये देखिए कितना बड़ा, 20 इंची से लेकर 24 इंची तक का। बाकी ये डीपी कटर है, मिलिंग कटर, एंगल कटर है। अच्छा, ये एंगल कटर है, एंगल कटर। हाई एवरीवन, मेरा नाम है रोशन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन ब्रो। दोस्तों आज मैं हूँ शॉप नंबर K162 मीना बाजार जामा मस्जिद टूल्स मार्केट। आज मैं आपको दिखाने वाला एक ऐसी शॉप जहाँ आपको मिलिंग कटिंग के टूल्स मिलेंगे आपको, जो कि सेकंड हैंड की। आपको सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, जो भी वेरायटी दिखाऊंगा सेकंड हैंड की होने वाली है। तो आप लोग जानते होंगे सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट से जो आपको जो शॉप के ओनर से मिलवाते हैं, उसके बाद में वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है। अगर आप किसी भी स्टेट अदर स्टेट से देख रहे हैं, कर्नाटका से, बिहार से, तमिलनाडु से, किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, वो भी आप बताना है कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है ना आपको मैं यहाँ पे ये शॉप का जो है विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूँ, खलील एंड सन्स के नाम से, उसके बाद में मैचिंग टूल्स स्टोर, और उसके बाद में जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो लिखी हुई है इसमें, ठीक है, मिलिंग कटर्स के। और उसके बाद में आप देख सकते हैं शॉप का इंटीरियर इस तरह से है, यहाँ पे सारे जो आपको मिलिंग कटिंग टूल्स के सारी वैरायटी मिल जाती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हैं भाई? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बताइए अपना नाम क्या है? मोहम्मद सुभान। ओके, अच्छा ये बताइए कि अपने पास में डील किस टाइप की होती है? मेरे पास डील की इतनी लाइन नहीं है जितना मेरा कटर का मिलिंग का काम है। मिलिंग कटर टूल्स आपके यहाँ मिल जाते हैं जी? जो भी वैरायटी सेकंड हैंड की होती है ना? सेकंड हैंड की होती है, ओरिजिनल होती है। अच्छा, जैसे कि अमेरिका की जो ये थाईलैंड हॉलैंड ये सब कटर मिल जाते हैं, इम्पोर्टेड कटिंग टूल्स होती हैं। ओके, तो अभी जो है अभी मुझे क्या क्या चीज़ दिखाओगे आप? देखो ये मिलिंग कटर लगे हुए, स्टैगर कटर 3 इंची 4 इंची इसमें 8 इंची भी मिल जाएगा, 10 इंची भी मिल जाएगा मेरे पास। अच्छा, 10 इंची का भी मिल जाएगा, छोटे से छोटा 50 डाई तक का है मेरे पास। अच्छा, देख रहा हूँ 3 इंची का है ये। ये 3 इंची का कटर है? 3 इंची का कटर है, 2 फुट मोटा है। अच्छा, इसमें आप 12 इंची 10 इंची का को हुआ वो भी मेरे पास मिल जाएगा। अच्छा, और स्लोटिंग कटर होता है HS का, ये पाइप काटने वाला है। अच्छा, इसका रेट बताएंगे कितना होगा? इसका मिनिमम रेट है 300 रुपये। इसका जो है आपको 300 रुपये, 300 रुपीज का आपको ये हमें मिल जाएगा ये। अच्छा, और एक आता है मेरा स्लोटिंग कटर का काम। स्लोटिंग, हाँ स्लोटिंग कटर। अच्छा ये देखिए कितना बड़ा, 20 इंची से लेकर 24 इंची तक का, 12 इंची तक का। 20 इंची से लेकर के 24 इंच को ये काट देगा ये काटता है, स्टील का पाइप काटने के लिए। अच्छा, स्टील पाइप कटर है ये, ये देखिए कितना बड़ा साइज हो गया, आप भी देख सकते हैं 24 इंची जो है कटर है, आप देख सकते हो। थोड़ी सी मेजरिंग भी करा देते हैं आपको, ये देखिए ये 19-20 इंची का, यहाँ से ले मिल जाएगा ये, आप देख सकते हो। ये देखिए 24 इंची भी मेरे पास मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, 24 इंची का भी मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो आपको मेजरिंग भी करा दी है। छोटे से छोटा इतना हो गया एरिया। अच्छा, ये सब आया है इसका, सबसे छोटा, सबसे छोटा है ये देखिए, सबसे छोटा साइज आपको ये कटर मिल जाएगा। अच्छा, इसका आप रेट बताएं कितना है? इसका रेट जो ओरिजिनल कंपनी का मिलेंगे तो ये 15,000 से 17,000 रुपये का मिलेगा नया। अच्छा, यहाँ मार्केट में आने के बाद हम 8,000 7,000 जो कस्टमर होता है वैसा सेल कर देते। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर ये यूज़ होकर आता है हॉलैंड कंपनी का, फर्स्ट टाइम यूज़ होता है ये बाहर कंपनी में, कंपनी में इसमें लिखा हुआ भी होगा हॉलैंड का। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है? बड़े डाई पे से चल कर आया हुआ ये लिखा हुआ, ये देखिए 550 डाया 350 मोटा 50 डोर और HS Demo 05। अच्छा, ड्यूरो कंपनी का है ना? नहीं, हॉलैंड का ये पाउच की अच्छा अच्छा ये 8 ठीक है रखी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दी है, और भी चीज़ें दिखाएंगे आते हैं। अच्छा, इसमें ये है 425 डाया। अच्छा, इसमें बड़ा भी मिल जाएगा 24 इंची का आपको। अच्छा, तो ये साइज का मिलेगा मेरे पास जो ये ब्लेड है ये ड्यूरो के नाम से है ना? नहीं, ये तो कम पावर दे रखी है, इसकी 8 डेज की है, ये किलकेंडर हॉलैंड और स्टार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका रेट कितना है? इसका रेट कितना है? इसका रेट पड़ेगा 3,000 रुपये। ये आपको 3,000 रुपये का मिल जाएगा। एंगल कटर है? अच्छा, ये एंगल कटर है, एंगल कटर है। अच्छा, 50 एंगल 45-90 डिग्री कितनी चाहिए होती है? ओके, इसका प्राइस बताओ कितना होगा? इसका प्राइस 1200 रुपये पड़ेगा। ये आपको 1200 रुपये का पड़ेगा, 1200 रुपये का। ये रेडियस कटर है। अच्छा, इनके साइजेस वगैरह बताइए। इनका साइज है ये मिनिमम एक, इसका 1 इंची 1.25 इंची बोर है। अच्छा, और 36 mm मोटा है। अच्छा, 36 mm का मोटा है और 80 डाया है। अच्छा अच्छा, और 1.25 इंची बोर है। अच्छा, ये क्या रेट होता है इसका? इमेज से तो रेट बहुत महंगा है, मीना बाजार में आपको मिल जाएगा तकरीबन 2500 रुपये का। आपके पास में 2500 रुपये का मिलेगा? जितना बड़ा साइज होता रहेगा उतने रेट बढ़ते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, तो आपको 2500 का मिलेगा। और बाकी ये साइडिंग पेज है,
साइडिंग फेस कटर। ओके ये सब लोअर काटते देख सकते हैं दोस्तों, ये साइडिंग फेस कटर है, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका साइज क्या है? इसका 5 फुट होगा और 1 इंची बोर होगा। अच्छा ये देखिए दोस्तों जो है बाहर फॉरेन का ही है, देख सकते हो ये फॉरेन कंट्री का है, जापान का है, ये मेड इन जापान ही समझो आप, ठीक है। इसका रेट कितना बता रहे हैं आप? इसका 1500 रुपये का पड़ेगा। ये 1500 रुपये का पड़ेगा, 1500 रुपये का। जोड़े भी चाहिए इसमें? जोड़े भी मिल जाएंगे मेरे पास। जोड़े भी मिल जाएंगे, माल तैयार होगा लगा हुआ। अच्छा लगी है, फर्स्ट क्लास जाते ही कस्टमर काम में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बहुत ही बढ़िया। कस्टमर कोई आता है वो कहता है अर्जेंट लोया हुआ मुझे दे दो, कंप्लीट जाते ही काम में ले लें। अच्छा वो मिल जाएगा मेरे पास, वो कोई सा भी साइज चाहिए वो भी मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? ठीक ठीक है ठीक है। और कुछ दिखाना चाहेंगे? ये हमारी लाइन नहीं है, बस ये है कि लोट में आता है तो रखना पड़ता है। अच्छा फिर भी कस्टमर को चाहिए एडजस्ट करके हम दे देते हैं अपने कस्टमर को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, और क्या दिखाएंगे आप? ये देखो रीमर है, ये कोट डील है। अच्छा रीमर है ये? हाँ रीमर है ये। अच्छा क्या साइज है इसका? ये देखो एडिशन का है एरिया। अच्छा ये कोट डील है ये? अच्छा हाँ ये देख रहा हूँ ना इम्पोर्ट, ये हाँ, का ये एडिशन कंपनी का कोट डील। अच्छा इसमें चाइना का भी आता है, अमेरिका अच्छा, का भी आता है, सब तरीके का मिलेगा। अच्छा तो इसका क्या रेट होगा? इसका 3000 रुपये पड़ेगा हमारे। ये 3000 रुपये का पड़ेगा इसी? और इसका साइज क्या है? इसका साइज भी आप देखा आपके सामने कितना है, इसका साइज है 44। हाँ 44 mm। ओके ठीक है। लेंथ भी 6 इंची लेंथ है इसकी, इसकी 6 इंची जो है लेंथ है इसकी, ठीक है। मैन आपको मेरे पास कटर मिलेगा। अच्छा अगर कोई सा भी साइज चाहिए हो, स्लॉटिंग कटर में, साइडिंग फेस, मिलिंग कटर, रेडियस, कोई सा भी कटर हो, एंगल कटर हो, सब मिल जाएंगे। एलीगल में भी चाहिए, एलीगल में भी मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आपको दिख रहा हो कितना माल लगा हुआ शेविंग कटर। ये देखिए सेल्फ में बहुत सारे मिलिंग कटिंग टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और भी दिखाना चाहेंगे? और क्या चीज़ें दिखाएंगे? कुछ नया आइटम आपके सामने सारा लगा हुआ, कोई इसमें नया नहीं होता, सब पुराना ही है, लेकिन मतलब कुछ नया जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी ना वो चीज़ मीना बाजार में मिल जाएगी आपको। अच्छा ये तो 100% कन्फर्म है कि जो चीज़ नहीं मिलेगी ना कहीं भी वो यहाँ मिलेगी, मीना बाजार में। कस्टमर आते हैं। अच्छा ऐसी बात नहीं है नहीं आते, कस्टमर को पता है इसी चीज़ है कि मीना बाजार में मिलेगी आपको, मिल जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया ठीक है। हर तरीके का मिल जाएगा आपको, ऑफ भी मिल जाएगा कस्टमर को। कुछ निकालिए इसमें से। ये गियर शेपर कटर है, गियर शेपर कटर, ये देखिए गियर शेपर कटर। अच्छा ये देखिए ऑफ कटर भी, ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे। अच्छा कटर है ये। अच्छा ये देखिए बड़े बड़े टूल्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो है ना सब साइजेस वगैरह सब इसमें लिखे हुए हैं, है ना? सब मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हो काफ़ी वजन है इसके अंदर में। तो इनका रेट और इनका रेट बताइए आप, ये इसका क्या रेट है? इसका मेन मेरी लाइन नहीं है, लेकिन कस्टमर को हम 2000 रुपये का दे देते हैं। 2000 रुपये का आप दे देते हैं, ठीक है। और इसका बताइए, कम से कम 7000-7500 रुपये के मिनिमम है, लेकिन हमारे पास जो यूज़ होकर ओरिजिनल आता है लोट में तो हम दे देते हैं, हमारी इसकी लाइन नहीं है। अच्छा ये 2000 लाइन है हमारी इसकी, स्लॉटिंग की और साइडिंग फेस वगैरह, कटिंग टूल्स की। ये आपको 2000 रुपये का मिल जाएगा यहाँ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में इसका क्या रेट है? इसका भी 200-300 रुपये ऊपर हो जाता है, डाय के ऊपर डिपेंड करता है ये, तो जितना मोटा होगा उतना पतला, ठीक है। और उसके बाद में इसका बताइए, काफ़ी हैवी टूल्स है। अच्छा ऑफ कटर है, ऑफ कटर ना जी। अच्छा तो इसका क्या रेट वगैरह है? इसका रेट तो वैसे महंगा ही है, लेकिन हमारे यहाँ ये 1200 रुपये किलो दे देता है। 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से? पर केजी के हिसाब से, इसकी लाइन नहीं है मेरी। अच्छा लेकिन लोट में आता है तो हम केजी के हिसाब से कस्टमर को दे देते हैं। अच्छा अच्छा तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी बात है, इनके पास ये इसका काम नहीं है, इनके पास में मिलिंग कटिंग टूल्स का काम है, लेकिन ये आपको जो है ना आप आते हो तो इनसे रेट वगैरह तय करके आप ले सकते हो। यहाँ पे जो है आपको 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मिल जाएगा आपको। तो भैया ने बता भी दिया है, स्लोटिंग कटर है ये, स्लोटिंग कटर आएगा 1 इंची बोर में, पतला 1.2-1.6 वो भी मिल जाएगा। अच्छा इसका क्या रेट होगा आप बताएंगे? इसका 150 रुपये पर पीस पड़ेगा ये। अच्छा ये आपको 150 रुपये पर पीस पड़ जाएगा आपको, ठीक है? नया माल है बिल्कुल। अच्छा नया माल। अच्छा ये वन टाइम भी यूज़ नहीं हुआ है? नहीं नहीं, नया लोट आ जाती है, नहीं कोई पुरानी नहीं, ज़रूरी नहीं है, मार्केट में पुराने ही मिलेगा, कस्टमर आते हैं। अच्छा कुछ कस्टमर ऐसे हैं हमारे चावड़ी के जो न्यू डील करते हैं वो लेके चले जाते हैं, मंगवा भी लेते हैं, वहाँ लिस्ट के हिसाब से वो भेज देते हैं। अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही बढ़िया। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये स्लोटिंग कटर है। स्लोटिंग कटर 3 इंची डायेगा, 4 इंची डायेगा, 2 mm मोटा, 1 इंची बोर। अच्छा अच्छा मिल जाएगा, मतलब बड़े बड़े यहाँ पे जो है आपको मिलिंग कटिंग जो है टूल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
तो आप आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर से भैया से जो है इनसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है अपना माल ऑर्डर करा सकते हैं। किसी स्टेट में बैठे हैं कोरियर हो जाएगा अपने पास, कोरियर भी हो जाएगा। कोरियर का जो चार्ज है वहीं पे देना पड़ेगा, वहीं पर ही देना पड़ेगा कोरियर वाले को। उनको एड्रेस वगैरह भेजते हैं तब उस एड्रेस पे भेजते हैं, कोरियर चार्ज वहीं पर ही ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने देखा सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाई दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, शेयर कर देना है। अगर आपका किसी तरह का कोई कमेंट है, सवाल है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से जाके कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं टाइम से कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज इसी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नए एनर्जी के साथ। ओके दोस्तों बाय।